नमस्कार दोस्तों, आज की वीडियो में आप देखेंगे पैनासोनिक की एलईडी टीवी है जो कि 32 इंच की एलईडी टीवी है। इसमें प्रॉब्लम है कि ये बॉटम साइड और राइट साइड यानी दोनों साइड पिक्चर प्रॉब्लम है। ओनली वन साइड पिक्चर ओके है, वो भी जो है आप देखेंगे जैसे लेफ्ट और राइट हमारा होता है तो हमारा लेफ्ट साइड पिक्चर ओके है, यानी आधा जैसे यहाँ पे देखेंगे आधा चेहरा फेड है और आधा क्लियर है। और बॉटम साइड जो हमारी ये फॉल्ट है वो आप जो देख सकते हैं कुछ इस तरीके से डिस्टर्ब है, जैसे यहाँ पे देखिए ये लाइन है। यानी इस प्रॉब्लम को दो तरीके से इसमें फॉल्ट है, जो कि इस समय आप देखेंगे तो यहाँ पे जहाँ पे एरो है इस समय आप देखें तो यहाँ पे आधा पिक्चर ओके है आधा फेड है, तो आप ध्यान से देख सकते हैं इस फॉल्ट को। और आगे आपको दिखा दें, यहाँ पे आप देखेंगे तो बॉटम साइड एकदम क्लियर आपको दिख रहा होगा कि किस तरीके से यहाँ पे जो है पिक्चर आके थोड़ा सा और ऊपर नीचे होके जैसे फ्लिकरिंग होता है डबल इमेज, उस टाइप से जो है यहाँ पे एक फॉल्ट होता है नीचे, और आधी आधी स्क्रीन यहाँ पे देखें तो इस साइड में आप देखेंगे तो इसकी फॉल्ट जो है यहाँ पे क्लियर नहीं है और यहाँ पे क्लियर है पिक्चर, यानी इस साइड में पिक्चर क्लियर है और इस साइड में पिक्चर क्लियर नहीं है। तो इस फॉल्ट को कैसे ठीक करेंगे, यानी इस एरिया को आप देखेंगे दो टाइप के फॉल्ट, तो इसे हम कैसे ठीक करेंगे तो आगे आप देखते रहिए। और इसमें आपको दिखा दें, पहले फॉल्ट को आप ठीक से ट्रेस आउट कर लें और इसके बाद समझ लें, इसके बाद आपको हम बताते हैं कि इस फॉल्ट को कैसे ठीक करते हैं, क्योंकि इसमें फॉल्ट में हमने जो है काफ़ी कोशिश की है और बहुत कोशिश के बाद ये फॉल्ट ठीक हुआ है। और इसमें कुछ थोड़ा सा क्लिप था वीडियो का, जो इसमें हमने जो सी की लाइन कट की करके और L1 L2 को आपस में कुछ चेंजेस किए थे, उसका वीडियो वो थोड़ा डिलीट हो गया है, तो उसका हम डिटेल आपको ब्लैक बोर्ड पर दे दे रहे हैं कि कैसे कैसे हमने इसमें क्या क्या किया। फिलहाल ये जो है बहुत ही टिपिकल फॉल्ट था और आशा करते हैं आप लोगों के ये काफ़ी हेल्प करेगा इस फॉल्ट का, क्योंकि पैनासोनिक के पैनल में अक्सर ये फॉल्ट आते रहते हैं, तो देखते रहिए। अब यहाँ पे आप देखेंगे ये LVDS का जहाँ पे ये केबल लगा हुआ है इसको यहीं से चेंजेस करना है, और यहाँ पे आप देखेंगे तो ये टीकॉन इसमें इंक्लूड है, यानी इस मदरबोर्ड में टीकॉन भी साथ में है, जो कि सारे वोल्टेज नॉर्मल हैं। और यहाँ पे आपको बता दें ये इसका जो वोल्टेज है डिटेल, ये आपको वीडियो के लास्ट में ये मदरबोर्ड के सारे वोल्टेज की डिटेल आपको मिल जाएगी। तो यहाँ पे सबसे पहले बता दें ये हमारा लेफ़्ट साइड है, जो कि यहाँ पे हमने जहाँ पे ये देखेंगे यहाँ पे हमने जो है ट्राई किया था, और इस एरिया को ट्राई करने के बाद जो है यहाँ पे हमने देखा कि ये ओके है, तो इसके बाद जो हमने यहाँ पे बता दें ये जैसे कि इस फॉल्ट के लिए हमने जो CKB लाइन को कट किया है वो राइट साइड में किया है, और राइट साइड में कट करने के बाद जो है एक प्रॉब्लम आता है, जैसे कि आपको बता दें यहाँ पे आपको दिखा दें ये आप देखेंगे ये राइट साइड का कफ है, और यहाँ पे हमने जो है यहाँ से जो कट किया है और इसे कट करने के बाद आपको बता दें कि यहाँ पे हमने L1 L2 को आपस में चेंज किया है इस जगह से, और इसके बाद यहाँ पे जो प्रॉब्लम आई है कट करने के बाद कुछ इस तरीके से ये प्रॉब्लम जो नीचे बॉटम में छोटा था वो बहुत बड़ा हो गया। चलिए आपको आगे बताते हैं कि इसमें कैसे कैसे हमने क्या किया और उसे हम उस पे ब्लैक बोर्ड पे लिख कर भी दे देंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले आप देखेंगे इस साइड में जो है हमारा पिक्चर ओके था और इस साइड में पिक्चर हमारा फेड हो रहा था, और नीचे बॉटम साइड में जो है फ्लिकरिंग हो रही थी, जो कि कुछ इस तरीके से फॉल्ट आपका जो सामने है स्क्रीन पे था। हमने क्या किया यहाँ पे आपको बता दें, जैसे हमको CKB लाइन कट करना है तो आपको मालूम है कि ये जो CKB लाइन है कुछ इस तरीके से कट होती है, जैसा कि
यह फॉल्ट सही करने के बाद आप देख सकते हैं पिक्चर की क्वालिटी कुछ इस तरीके से है। केवल यहाँ पे बॉटम साइड में थोड़ी सी लाइन जो है रह जाती है, जो कि 1 इंची यानी ना के बराबर है, जो कि इस तरीके से इतना ही केवल यहाँ पे डिस्टर्ब है, बाकी पिक्चर ओके है। तो आप भी इस तरीके से इस फॉल्ट को सही कर सकते हैं। तो थैंक यू दोस्तों, और आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और आगे जो ये मदरबोर्ड के वोल्टेज हैं, यहाँ पे इस मदरबोर्ड में टीकॉन इंक्लूड है, और यहाँ पे सारे वोल्टेज आपको मल्टीमीटर पे दिख जाएंगे। तो देखते रहिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।